नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 28 मई 2020 है। 28 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो गया। हालांकि अब मरीजों के स्वस्थ होने की दर में तेजी आई है, इससे लोगों को राहत महसूस हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि अभी कुल संक्रमितों में से सिर्फ 80,000 केस ही एक्टिव हैं। इधर बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है। बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,000 के पार हो गई है। हालांकि बिहार में भी रिकवरी हो रही है। पटना जिले में 38 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हो गए, उन्हें आइसोलेशन से छुट्टी मिल गई है। इससे पूर्व बीएमपी के संक्रमित 17 जवानों को भी छुट्टी दे दी गई है, उनके रिपोर्ट्स भी निगेटिव आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने कई निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिया है कि सेफ्टी इक्विपमेंट टेस्टिंग किट को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाए। गोपालगंज नरसंहार कांड को लेकर तेजस्वी लगातार एक्शन में हैं। इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी कार्यक्रम गोपालगंज में करने की तैयारी की है। इसको हिट कराने के लिए तेज प्रताप ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह अपने आरोपी जेडीयू विधायक को बचाने में लगे हुए हैं। पटना के बेली रोड पर बन रहे पुल की रेलिंग के लिए रखे स्लैब के नीचे दबकर 3 मासूमों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बुधवार की रात ललित भवन के सामने हुई। पटना के एक कपड़े की दुकान में रेल टिकट बेचने वालों को राजेंद्र नगर के RPF ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है। साथ ही 1,44,492 रुपये के 19 रेल ई टिकट बरामद किया है। सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र के तारा रही संथाली टोला में खेत से एक युवक की लाश मिली है। युवक की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर अपने बीमार पिता को गांव लेकर आई साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी पर जल्द ही फिल्म बनेगी। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही का सिलसिला जारी है, परंतु आपको बता दें कि पटना से कोलकाता के बीच विमान सेवा 31 मई तक टल गई है। लॉकडाउन में ट्रेन के रूट बदलने से ट्रेन बक्सर के बजाय सासाराम पहुंच गई, जिससे बिहार के कई यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बिहार के बेतिया जिले में गंडक नदी विलुप्त होने के कगार पर है। इस बीच घड़ियालों की तादाद ग्रामीणों के संरक्षण से फिर बढ़ने लगे हैं। मधेपुरा रेल कारखाना में तैयार सबसे शक्तिशाली 4 AC विद्युत इंजन बुधवार को निकला। 2-2 इंजन को एक साथ जोड़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर यूपी के सहारनपुर ले जाया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने एक माह में दूसरी बार सावधि जमा पर ब्याज दरों में कटौती की है। इसमें 0.40% की कटौती की गई है। नई FD दरें 27 मई से प्रभावी होंगी। अब जानते हैं बिहार में मौसम का हाल। बिहार में आगामी 24 घंटे में कहीं तेज हवा के साथ भीषण वर्षा के अनुमान है, तो कहीं उमस भरी प्रचंड गर्मी के आसार बताए गए हैं। इससे किसानों की धड़कन बढ़ गई है। उधर BU मौसम विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार आगामी 28 से 30 मई के बीच भीषण वर्षा के आसार हैं। यह वर्षा मक्का किसानों के लिए हानि पहुंचाने वाला होगा। किसानों को मक्का में पटवन नहीं करने को कहा गया है। अब चलते हैं कमेंट की ओर। आज भी हमारे चैनल पर बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट किया है और अपनी परेशानी से अवगत कराया है। कई लोगों ने सुझाव भी भेजे हैं। खगड़िया के मोहम्मद मंजूर लिखते हैं कि वे अपने साथियों के साथ सिलचर में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। बिहार के लोग अन्य प्रदेशों से बिहार आने की बात करते हैं, लेकिन मिथिलेश राम ने बिहार से देहरादून के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। सुमन कुमार अपने 10 साथियों के साथ रायबरेली में फंसे हैं, लिखते हैं बिहार आना चाह रहे हैं। सनोज कुमार गोवा में फंसे हुए हैं, 2 साथी लॉकडाउन हो गए हैं, बिहार आने के लिए चाहते हैं। सीतामढ़ी से राहुल यादव लिखते हैं कि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बिहार का अररिया के फूलचंद ऋषि हरियाणा में लॉकडाउन है, बिहार आना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। कमेंट बॉक्स पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अलग सवाल रखा है। उन्होंने जानना चाहा है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के चयन का क्या हुआ। खगड़िया के राजेश कुमार लिखते हैं कि वे 10 लोगों के साथ उड़ीसा में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। खगड़िया के लिए ट्रेन कब खुलेगी। जहानाबाद के 4 लोगों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, जिसमें कहा है कि
हम लोग लॉकडाउन में रांची में फंस गए हैं, घर जाना चाहते हैं, यहाँ काम भी नहीं है। इन चारों में राम रंजन पासवान, करण पासवान, अनिरुद्ध पासवान एवं राजू कुमार हैं। उन लोगों ने कहा है कि हम लोग जहानाबाद के कुंडलिया गांव के हैं। पवन कुमार को अपने पिता की चिंता सता रही है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। मोहम्मद अतहर खान लिखते हैं कि 10 आदमियों के साथ गुड़गांव में फंसे हैं। जमुई के सुकेश कुमार पूछ रहे हैं कि बल्लभगढ़ से जमुई के लिए ट्रेन कब खुलेगी। कमेंट बॉक्स पर शिव कुमार आ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि खगड़िया के बेलदौर में रूना देवी लॉकडाउन में फंस गई हैं। वह भागलपुर के हरदासपुर आना चाहती हैं। एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। मोहम्मद लड्डन ने द न्यूज 9X का शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा है कि आप लोगों के स्नेह से जहानाबाद अपने घर पहुंच गया। इसी तरह हमारे कमेंट बॉक्स पर कई लोग हैं, जिनमें हलेंद्र कुमार, संटू यादव, दिलचंद राज, सूर्य नंदन कुमार, भाव्या सिंह, मोहम्मद आफ्ताब खान, जहांगीर आलम, सुमन कुमार, राहुल कुमार, रवि सिंह, कमाल, मानू चौहान, नंदन कुमार, राजेश कुमार हैं। सीवान से अभेश कुमार, संजय कुमार, निर्मला हांसदा, संतोष कुमार, असलम रजा, अरुण कुमार, अशोक कुमार, कुमार यस, अखिलेश यादव, सुनील सिंह, राहुल यादव आदि हैं, जिनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं और शुभकामनाएं भी आई हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।